हेलो फ्रेंड्स, परसों के एक आर्टिकल में हमने बात की थी नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी के बारे में। तो इस पर एक अलग से वीडियो बनाने के लिए मैंने कहा था, तो उसी का ये लेक्चर है। तो हम देखते हैं इसमें कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। एक्चुअली द थिंग इज दिस कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है ऑलमोस्ट, मतलब ये कहा जाए कि 200 टाइप से ज़्यादा टाइप की होती हैं, और इनमें कुछ ही की प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिनके कुछ सिम्टम्स अपने को दिखाई देते हैं, डायरेक्ट जिनको पहचाना जा सकता है। अदरवाइज तो बाकी प्रॉब्लम्स जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो लोगों को समझ भी नहीं आता कि आई डू हैव ए मेंटल प्रॉब्लम एंड आई एम सफरिंग विद दिस डिजीज। इस टाइप की चीज़ें लोगों को समझ भी नहीं आती और उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम एक लिमिट क्रॉस कर जाती है, ये डिजीज एक लिमिट क्रॉस कर जाती है और उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, तब ये जो बेसिक प्रॉब्लम, इसको तब बेसिकली तब इसको प्रॉब्लम माने जाने लगता है। तो इसमें हम कुछ इंडिया का डाटा देख लेते हैं पहले कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर प्रिवेलेंट इन इंडिया एंड किस किस डायरेक्शन में किस तरीके से फैली हुई है और किस एज ग्रुप में किस तरीके से होती है। तो फर्स्ट इसमें डाटा, कुछ डाटा दिए गए। पौंडीचेरी का एक डाटा है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो है एडल्ट्स में 17.4% में, मतलब कहा जाए तो 1/5 में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं पौंडीचेरी साउथ इंडिया में। नेक्स्ट हम देखते हैं तो नॉर्थ इंडिया का, यूपी का इन्होंने दिया है कि 43% ऑफ एल्डरली टू बी सफरिंग फ्रॉम वन और अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अगेंस्ट 4.7% एडल्ट्स। तो ये इतने ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है, एडल्ट्स में 4.7% है और ये एल्डरली जो है इनमें 43.4% इन नॉर्थ इंडिया। तो ये ऑलमोस्ट 1/2 हो गया। तो आप देखिए कितने ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है, इसका हम आगे इन डाटाज को आगे हम यूज में लेंगे। नेक्स्ट ये कि 17.3% अर्बन, इतने परसेंट रूरल एडल्ट्स एज 60 ईयर्स एंड अबव सफर फ्रॉम दिस सिंड्रोमल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। अब ये सिंड्रोमल क्या होती है कि जिनके सिंड्रोम सिम्टम्स अपने को दिखाई देने लगते हैं। तो इतना परसेंट अर्बन और इतना परसेंट रूरल में, डाटा याद रखना जरूरी नहीं है लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि इस तरीके से ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लोगों को होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके सिंड्रोम्स दिखाई देने लग जाएँ वो, फिर सब सिंड्रोमल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो ये अर्बन में इतना, रूरल में इतना। नेक्स्ट कि डिमेंटिया जो होता है, डिमेंटिया भूलने की बीमारी, तो ये भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों में होती है लेकिन इसको जो है, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन इंडिया टू बी वेरिएबली फ्रॉम 9.1%। ये डाटा, एक्चुअली डाटा कलेक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सर्वेज से होता है लेकिन ये डाटा ऑथेंटिक है, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये बहुत ज़्यादा लोगों को ये बीमारी होती है, हम नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं, तो वो भी एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि, और नेक्स्ट जो है न्यूरोटिक डिप्रेशन, ये कितना है रूरल में, इतना परसेंट, एंड देन रिसेंट रिपोर्ट जो है इंडिकेट्स कि 5.8% ऑफ अर्बन और 7.2% रूरल एडल्ट्स सफर फ्रॉम मूड, मतलब अफेक्टिव मूड चेंज, मूड डिसऑर्डर। तो बोलते हैं ना कि मूड खराब होना, मूड चेंज होना, स्विंग होना, वो सारी चीज़ें जो है ये भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल प्रॉब्लम्स में आती हैं। तो ये डाटाज को देखते हुए आप देखते हो कि कितना ज़्यादा ये प्रॉब्लम स्प्रेड है ऑल ओवर द इंडिया। और फिर इसको हम सिर्फ कनेक्ट कर देते हैं कुछ लोगों के साथ जिनके की सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जो सिम्टम्स वाले लोग हैं उनको हम, कि उनके साथ एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है जिनके भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जो स्टिग्मा अटैच है वो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी इसका सिनेरियो क्या है मेंटल हेल्थ का। तो 1982 में मेंटल हेल्थ पॉलिसी, एक प्रोग्राम एक्चुअली बना था, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नॉट पॉलिसी। फिर ये है कि ये एबसेंट है, पॉलिसी अभी तक एबसेंट थी, अभी ये 2014 में पॉलिसी फॉर्म की गई है। फिर 1982 में प्रोग्राम, ये हम देख ही रहे हैं।
नेक्स्ट है कि ड्रग्स ठीक है अवेलेबल है एसेंशियल ड्रग्स, फिर ये मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, एक्ट 1987 से ये लेजिस्लेशन है, इससे रिलेटेड, इस एक्ट से लॉ एंड ऑर्डर्स इससे रिलेटेड बने हुए हैं, तो इससे ये डील होता है, डील किया जाती है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड कुछ कोई भी समस्या होती है तो वो इसके थ्रू डील की जाती है। नेक्स्ट कि इसके बजट की हम बात करें तो हेल्थ बजट का जो है 0.83% ऑफ हेल्थ बजट इस पे खर्च किया जाता है, विच इज वेरी लेस, जो कि हमने अभी पीछे डाटा देखा जितने सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है और हेल्थ बजट का 0.83% ही इसके यूज में लिया जा रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसको आप कोट कर सकते हैं यदि कोई क्वेश्चन आता है तो। डिसेबिलिटी बेनिफिट्स हाँ ठीक है गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, एनजीओज काम कर रही हैं प्रमोशन प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलेशन में, इन सब में एनजीओज भी इन्वॉल्व हैं और बाकी गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है, ये एग्जिस्टिंग सिनेरियो है। फिर अपन देखते हैं जो 1982 में हमने अभी देखा कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो 70s के डिकेड में 70 में एक सर्वे हुआ है मेंटल डिसऑर्डर को लेके, और इसमें पता लगा कि इंडिया में सभी टाइप के ऑलमोस्ट ऑल टाइप के मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो इंडिया में प्रिवेलेंट है फैले हुए हैं। फिर कि इसमें मेंटल डिसऑर्डर के कॉजेज क्या हैं रीजन क्या हैं उसका है कि एक तो बजट जो हेल्थ केयर पे कम है और दूसरा कि शॉर्टेज है ट्रेन मेंटल हेल्थ पर्सनल्स की। नेक्स्ट कि इसके साथ स्टिग्मा अटैच्ड है, स्टिग्मा की हमने बात की थी अभी कि ऑलमोस्ट 30-40% लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं फिर भी जिनमें की सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं उसके सिंड्रोम आ जाते हैं उन लोगों को इंडिया में पागल बोला जाता है, उनको बहुत धुतकारा जाता है। आप खुद अपने अड़ोस पड़ोस में कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स आप देखते होंगे कि जो मतलब जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती है और जो कहा जाए कि वो पागल हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि उनके एक्ट्स सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है। कई बार जैसे लोग कुछ कुछ लोग पत्थर फेंकने लग जाते हैं, कुछ अपने कपड़े फाड़ने लग जाते हैं, कुछ चिल्लाने लग जाते हैं, गालियां देने लग जाते हैं, इस तरीके के जो एक्ट करते हैं जो सोसाइटी में जो सिम्टम्स एंड सिंड्रोम्स ऐसे जो कि बाहर सोसाइटी में निकल के सामने आए और लोगों को पता लगे, तो उस उन प्रॉब्लम्स के साथ उस प्रॉब्लम के साथ स्टिग्मा अटैच्ड है, तो ये जो इसको धब्बा माना जाता है सोसाइटी में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक बार कोई किसी को मेंटल प्रॉब्लम हो जाए तो ये धब्बा जो स्टिग्मा है ये उसको उस प्रॉब्लम से निकलने ही नहीं देता, क्योंकि हर आदमी हर जगह उसको बार बार पागल बोला जाता है, उसको धुतकारा जाता है, यदि उसके चांसेस भी हैं ठीक होने के तो भी उसको ठीक नहीं होने दिया जाता है, और इनफैक्ट यदि उसकी थोड़ी सी कंडीशन खराब है तो उसको बहुत ज्यादा कर दी जाती है, उसको सच में पागल बना दिया जाता है बोल बोल के। इस टाइप का इंडिया में स्टिग्मा के साथ अटैच्ड है और मिसकंसेप्शन भी बहुत है इंडिया में इसके लिए कि पागल है तो वो कुछ भी हरकत कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति जो जिसको कि मेंटल प्रॉब्लम्स है थोड़ी बहुत वो उसी सेम लेवल की होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और उनके एक्ट्स जो हैं वो कंट्रोलेबल नहीं है, इस तरीके के जो मिसकंसेप्शन है वो भी गलत है, उनको ठीक से ट्रीट किया जाए, उनको भावनात्मक एक भावनात्मक लगाव उनके साथ रखा जाए और उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए तो उस तरीके से वो लोग ठीक हो सकते हैं और इस प्रॉब्लम को डील किया जा सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है और इसके साथ जो स्टिग्मा अटैच्ड है उसकी वजह से और मिसकंसेप्शन जो है उसकी वजह से ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाता है। और मैक्सिमम तो यदि किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उनके लिए कहा जाता है कि यदि पागल है तो इसको मेंटल हॉस्पिटल भेजिए, यहाँ क्यों रखा हुआ है कि दूसरों को परेशान कर रहा है, इस तरीके की बातें की जाती है, जैसे कि कोई किसी को मेंटल प्रॉब्लम हो और वो कोई छोटी मोटी कोई गलती कर बैठे और फिर उसके रिलेटिव या उसके पेरेंट्स ये कहें कि कोई बात नहीं है पागल है इसने ऐसा कुछ कर दिया, हम नॉर्मल जो स्टेटमेंट से मैं बस वो बात कर रहा हूँ तो उस पे लोगों का रिएक्शन ये होता है कि पागल है तो मेंटल हॉस्पिटल भेजिए या बांध के रखिए, यहाँ क्यों भेजा, यहाँ क्यों खुले में क्यों छोड़ा हुआ है इसको, तो इस तरीके की बातें की जाती है, तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जो स्टिग्मा है धब्बा है, इससे बाहर निकलना और इस इन मिसकंसेप्शंस को खत्म करना इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम है
ये किस तरीके से कैसे स्टार्ट हुआ है। तो एटीज में गवर्नमेंट ने फील किया कि एक मेंटल हेल्थ जो हेल्थ कंपोनेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसका एक कंपोनेंट है मेंटल हेल्थ। तो इसके लिए भी हमारे पास कोई एक सॉलिड वो रास्ता होना चाहिए, प्लान होना चाहिए जिससे हम इसको डील करें। तो एक कमेटी बनाई गई, ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, 81 में कमेटी बनी है। तो ये कमेटी बनाई गई जिसने कि ये ड्राफ्ट मॉडल तैयार किया, जिसको कि 82 में एक्सेप्ट कर लिया गया सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसने 82 में एक्सेप्ट कर लिया। तो ये नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फिर इसको इम्प्लीमेंट करने का इसने रिकमेंड किया। आगे फिर हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी इंश्योर की जाए अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी की लोकल लेवल पे भी मेंटल हेल्थ इंश्योर की जाए, लोगों तक ये अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो, इस तरीके की चीज़ें की जाए कि इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स अवेलेबल हो, इस तरीके का इस चीज़ की अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी सिक्योर की जाए, इंश्योर की जाए। नेक्स्ट इसमें क्या है कि टू एनकरेज द एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज। तो हमारा जो सोसाइटी है, अभी हमने बात की थी कि इसको स्टिग्मा माना जाता है, इस स्टिग्मा की बजाय इसको एक मेंटल प्रॉब्लम की तरह देखा जाने लगे। इसके लिए जरूरी यह है कि लोगों में अवेयरनेस आए कि इट इज जस्ट अ डिजीज, नॉर्मल डिजीज। जैसे कि किसी को फीवर आता है उसको हम एक स्टिग्मा की तरह नहीं देखते, किसी को डेंगू हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए, वी सिंपैथाइज हिम, बट किसी को मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाए तो हम उसे धुतकारने लग जाते हैं। तो ये चीज ना हो इसलिए लोगों को एक नॉलेज मेंटल हेल्थ के बारे में प्रोवाइड करवाया जाए। फिर इसमें कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इसमें प्रमोट किया जाए कि जो लोगों की वजह से और ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है और लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, जो कि किसी मेंटल पेशेंट को अपने घर में रख रहा है उसको लोग सपोर्ट तक नहीं करते हैं। तो इस चीज को चेंज करके कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए और मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो हैं उनमें फर्स्ट गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, देन कम्युनिटी। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत तरीके से होगा, दो तरीके से। एक तो जो उसकी फैमिली को सपोर्ट करके, दूसरा कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करके इन प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज, मेंटल हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट ये 10th 5-year प्लान में थ्रस्ट एरियाज क्या क्या रहे हैं मेंटल हेल्थ पॉलिसी के, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के, हम देख लेते हैं। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है उसको एनलार्ज और इफेक्टिव किया गया ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए। फिर इसमें कि मॉडर्नाइजेशन हॉस्पिटल्स का। नेक्स्ट इसमें कि ये स्टेट और सेंट्रल लेवल पे दोनों परमानेंट अथॉरिटीज और सेक्रेटरीट बनाने की बात थी, मेडिकल ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट की बात थी। नेक्स्ट कि मेडिकल कॉलेजेज में साइकेट्री को इसमें साइकेट्रिस्ट उसमें अपॉइंट किया जाए, डिपार्टमेंट एक बनाया जाए। नेक्स्ट की हॉस्पिटल्स को मॉडिफाई किया जाए। नेक्स्ट की इसमें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी साइकेट्रिस्ट जो है इस पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी हो। नेक्स्ट इसमें रिसर्च और ट्रेनिंग और बढ़ाई जाए, इस तरीके की चीज़ें 10th 5-year प्लान में थ्रस्ट एरियाज थे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में। अब आगे फिर हम ये देखते हैं ये मेंटल हेल्थ पॉलिसी के बारे में। अभी तक हमने बैकग्राउंड देखा है जिसमें कि हमने देखा क्या क्या सर्वेज हुए हैं 1970s के डिकेड में। तो 1975 में एक दो लोग थे, नेकी और कास्टेयर्स, नेकी एंड कास्टेयर्स। तो 70s में सर्वे हुआ, 75 में नेकी एंड कास्टेयर्स ने एक रिपोर्ट इन्होंने दी थी कि रिव्यू ऑफ द सिचुएशन, जो कि उस टाइम पे मेंटल हेल्थ की इंडिया में सिचुएशन थी उसको इन्होंने रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद हाईलाइट किया कि इंडिया में जो हेल्थ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मेंटल हेल्थ को कितना नेगलेक्ट किया जाता है, उन डिसऑर्डर्स को कितना नेगलेक्ट किया जाता है और उसके पीछे फिर क्या क्या चीज़ें हैं और अप्रोच क्या हो, इस तरीके से इन्होंने एक अपनी
रिव्यू रिपोर्ट एक सबमिट की थी उन्होंने, या हाईलाइट किया था उस चीज को, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो इंडिया में है उनको। तो फिर हम इस पॉलिसी को देखते हैं। तो इस पॉलिसी में एम्स क्या क्या है, फर्स्ट तो हम इसका देख लेते हैं। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इसको इंश्योर करना है। तो ये आप लिख लीजिए कि ये तीन चार चीजें आप लिख दोगे, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं, स्पेसिफिक होते हैं बस। तो इस तरीके से आप, यदि पूछा जाता है मेंटल हेल्थ पॉलिसी को, तो उसमें एम्स पूछे जाएं, जैसे लिखोगे आप क्या इसके एम्स हैं, क्या कॉजेज हैं, क्या इसके साथ इश्यूज रिलेटेड हैं, एंड हाउ टू डील दोज इश्यूज, इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। और इसका अभी तक की अप्रोच क्या रही है, उसमें चेंजेस क्या किया जाए, इस टाइप से कोई क्वेश्चन फॉर्म होगा। तो उसमें आपको फिर इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को एक मिक्स करके आप लिख सकते हो। तो इसमें एम्स हम देख रहे हैं कि एक तो ये हो गया कि ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है, उसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन हम इंश्योर करें। दूसरा कि टेक्नोलॉजी का जो, तीसरा कि जो एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स इन टोटल नेशनल डेवलपमेंट ऑफ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ये क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव करेगा कि मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी भी लेवल की हो, उनको टाइम पे डील किया जाए। एक तो जो स्टिग्मा तक में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें कि हमने देखा कि सिम्टम्स एंड सिंड्रोम्स दिखाई देने लगे वो, तो उनको यदि कम किया जाए। दूसरा कि जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने कहा थी ग्रेटर देन 200 टाइप्स की होती हैं, तो इनको यदि डील किया जाए तो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे जो हैं, ह्यूमन कैपिटल जो है, वी कैन इंक्रीज देयर एफिशियंसी एंड देन क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो स्टिग्मा वाली स्टेज वाले लोग हैं, इनका ट्रीटमेंट करके इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसके एम्स हैं। अब ये डायरेक्ट मैंने वो उठाया है, कुछ दो चार चीजें मैं मेंटल हेल्थ पॉलिसी की पीडीएफ से डायरेक्ट उठाई है मैंने। तो इसमें विजन, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल, गोल्स एंड देन इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड देन रिकमेंडेशंस, ये सारी चीजें हम एज इट इज देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इसका विजन क्या है। इसका विजन है मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना और मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना, रोकना, रिकवरी से उसको एनेबल करना, फिर स्टिग्मेटाइजेशन और डिसग्रेजेशन जो है, तो इन चीजों को रोकना इसका जो विजन है वो है। अब इसको आप पूरा और देख लेंगे क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, तो उसमें से जो जो चीजें आपको याद रह जाए वो लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से इसका विजन है। अब वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स की इक्विटी और गोल, इक्विटी इसमें हम रखेंगे, इसकी वैल्यूज है, बेसिक वैल्यूज है कि इक्विटी क्या, कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है वो लोगों को मिले। दे मेंटल हेल्थ सर्विसेज शुड बी सेंसिटिव एंड रिलेवेंट टू डाइवर्स सोशल एंड कल्चरल सिचुएशंस। तो इस चीज में ये है कि डिफरेंट डिफरेंट जो अपनी डाइवर्सिटी है, एरियाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, जैसे हमने देखा था कि पौंडीचेरी में और यूपी में, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स या मेंटल डिजीजेज वो डिफरेंट, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स थी। तो हम इन दोनों को एक साथ लेके चलें, इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज में लें कि ऑल ओवर द कंट्री जो जो टाइप की डिजीजेज हैं उनको हम एक साथ डील कर पाएं। ये इस तरीके का इसमें इक्विटी रखने की ये प्रिंसिपल्स हैं इसके। आगे इसमें कहा गया है कि मेंटल हेल्थ इसके लिए जो बजट एलोकेशन है, जैसे 0.83% ऑफ टोटल बजट है, तो उसको प्रोपोर्शनल उसमें रखा जाए कि जिस टाइप से प्रॉब्लम्स ये बढ़ती जा रही हैं और अभी तक इंडिया में जितनी ये प्रॉब्लम्स हैं उसके उसी के रेशियो में, प्रोपोर्शन में बजट भी अलोकेट किया जाए, ताकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और मेंटल इलनेस के बर्डन को कम किया जा सके। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, तो इस तरीके की चीजें इसमें ये प्रिंसिपल्स में रखी गई हैं, इक्विटी जैसे इसका प्रिंसिपल है। फिर इसमें दो चीजें हमने देख ली, विजन देख लिया, इसकी वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स देख ली हमने। फिर हम इसमें देखते हैं कि इसके गोल्स क्या क्या हैं। तो गोल्स हैं कि रिड्यूस करो डिस्ट्रेस जो लोगों में बढ़ता जा रहा है उसे, फिर
डिसेबिलिटी और प्रीमैच्योर मोर्टेलिटी, इन सब चीज़ों को मेंटल हेल्थ से, ये एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि मेंटल हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड है सुसाइड्स, नंबर ऑफ सुसाइड्स। मेंटल प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं उन प्रॉब्लम्स की वजह से लोग, एक डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन इज ऑल्सो अ मेंटल प्रॉब्लम, और मैनियाक जो है दैट इज ऑल्सो अ मेंटल प्रॉब्लम। तो इन दोनों में से जो डिप्रेशन वाला सिनेरियो है इसमें बहुत ज़्यादा सुसाइड्स होती हैं। तो सुसाइड्स आर एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स। तो इसको रिड्यूस करना इसका गोल है। फिर इसका है कि जो हमने पहले उसमें मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में भी बात की थी कि सोसाइटी में इसके बारे में नॉलेज कम है लोगों को, तो लैक ऑफ नॉलेज जो उसकी वजह से इसको स्टिग्मेटाइज किया जाता है। तो उसको घटाना भी इसका एक गोल है कि स्टिग्मेटाइजेशन घट पाए, घट तभी घटेगा जब नॉलेज घटेगा, और स्टिग्मेटाइजेशन के घटने से ही फाइनली मेंटल हेल्थ जो है, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी, इसके गोल्स कंप्लीट किए जा सकेंगे। नेक्स्ट इसमें कहा है इसने कि स्ट्रेंथन द लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ सेक्टर इन नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये स्ट्रेंथन की जाएगी लीडरशिप, इस तरह की बात है। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स, जो मैंने पहले कहा था आपको कि एम्स ऑब्जेक्टिव्स ये ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें होती। अभी हमने बात की कि इसके गोल्स में हमने रखा है कि मेंटल हेल्थ के बारे में नॉलेज बढ़ाया जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन को, ऑब्जेक्टिव है इसका कि गोल जो रखा है उस गोल को अप्लाई किया जाए, कि मेंटल हेल्थ नॉलेज जो मिला उस नॉलेज को, उस नॉलेज के एप्लीकेशन को एनकरेज किया जाए। फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बोथ की गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करें, नेक्स्ट की फैमिली के साथ पार्टिसिपेट करें, स्टिग्मेटाइज ना करें चीज़ों को, उनके साथ सिंपैथी एम्पैथी रखें, मेंटल प्रॉब्लम्स जो वाले जो पर्सन हैं उनके साथ, नेक्स्ट की उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो करें, नेक्स्ट की उनके साथ भावनात्मक लगाव थोड़ा रखें, उनको थोड़ा धैर्य बनवाना और वो सब चीज़ें जो होती है वो की जाएँ। तो इस तरीके से कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो। फिर की प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड देयर एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज। फिर की मेंटल हेल्थ की डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो हैं उनका यूज़ को इम्प्रूव करो, इस तरीके की बातें उसमें भी हैं। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो था उसमें भी इस तरीके की बातें हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ऑब्जेक्टिव्स, ये दोनों इसके सेम है दोनों के। फिर कि प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ, इनके एप्लीकेशन को टोटल नेशनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये अभी हमने लास्ट देखा यहाँ पे कि इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ये इसका एम है। तो अभी अभी मैंने कहा था कि एम्स और ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं, तो इन दोनों को मिला के ही आप, जैसे पूछा जाएगा कोई क्वेश्चन तो इन दोनों को मिला के एक पोर्शन कंप्लीट कर दोगे, फिर उससे रिलेटेड इश्यूज आप लिख दोगे, फिर उससे रिलेटेड गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है वो लिख दोगे, तो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर उन्होंने कि रिकमेंडेशंस एंड स्ट्रेटजीज जो हम यूज में लेने वाले हैं, पॉलिसी, पूरी पॉलिसी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ये, तो ये हम एक एक करके पॉलिसी डिसाइड डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके आगे हम देख लेंगे कि फ्यूचर इसका क्या होने वाला है और किस तरीके से इसको यूज में लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो हम ये देखते हैं कि मेजर रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं। तो रिकमेंडेशंस है कि इफेक्टिव गवर्नेंस हो और डिलीवरी मैकेनिज्म अच्छा हो, जैसे कि हमने अभी 10th 5-year plan की बात की थी कि उसमें किस तरीके से नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो था उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, तो हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ कुछ काम किए गए थे, जैसे कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, फिर कि एक ऑफिसर्स वहाँ पे होंगे, फिर सेंट्रल लेवल पे कुछ और स्टेट लेवल पे कुछ ऑफिसर्स बिठाए जाएंगे, और जो हॉस्पिटल्स हैं बड़े हॉस्पिटल्स या फिर मेडिकल कॉलेजेज वगैरह हैं उनमें एक साइकेट्रिक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा और वहाँ पे प्रोफेसर्स, फिर पीजी उनमें करवाई जाएगी। तो इस तरीके से एक मैकेनिज्म बनाया जाए, इफेक्टिव मैकेनिज्म
इफेक्टिव गवर्नेंस और डिलीवरी के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है, तो इस तरीके की इनकी रिकमेंडेशन हैं। फिर है कि प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, अभी जैसे हम बार बार प्रमोट करते हैं चीज़ों को कि पोलियो के लिए दवा दिलाई है, या फिर हम डेंगू चिकनगुनिया से बचिए, मच्छर काटने से ये होता है, तो इस तरीके का हम इनको बहुत प्रमोट करते हैं कि इनसे बचाव किया जाए, एड्स से बचाव ही सुरक्षा है, इस तरीके की चीज़ें। तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अभी तक कोई भी ऐसा काम गवर्नमेंट नहीं करती है, और गवर्नमेंट इस तरफ कोई ध्यान आकर्षित भी नहीं करती है लोगों का कि इतने टाइप की मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्रेटर देन 200 टाइप की मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे कैसे डील किया जाए, एंड डू नॉट स्टिग्मेटाइज मेंटल प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, इस तरीके से कोई भी प्रमोशन मेंटल हेल्थ का नहीं होता है। तो उसको हम करेंगे, ये उसको किया जाए, ये रिकमेंडेशंस हैं। फिर नेक्स्ट है इसकी कि मेंटल इलनेस, इसको प्रिवेंट किया जाए, जिससे कि मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करोगे तो सुसाइड्स में अपने आप रिडक्शन आ जाएगा, सुसाइड के अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड दोनों में। अभी हमने पीछे बात की थी कि जो इमेच्योर डेथ्स होती हैं, या जिनको कहा जाए कि नेचुरल डेथ नहीं होती हैं, उनमें काफ़ी सारी डेथ के पीछे रीजन जो सुसाइड्स होती हैं, या सुसाइडल डेथ, एक्सीडेंट डेथ, इस टाइप से अननेचुरल डेथ होती हैं, तो उनमें सुसाइड्स जो होती हैं उनमें बहुत सारी डेथ मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स की वजह से होती हैं, डिप्रेशन हो या कोई भी और बहुत सारी बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट ये कहते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए एक्सेस प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो हमने पहले बात की थी कि एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि ये लोकल लेवल पे भी ये प्रोवाइड करवाई जाए मेंटल हेल्थ, हॉस्पिटल्स में साइकेट्रिस्ट हों, इसको इंटीग्रेट किया जाए और डिजीजेज और नॉर्मल जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ, तो इस तरीके से यूनिवर्सल एक्सेस हो इस चीज़ के लिए, ये एक इनकी रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट इनकी रिकमेंडेशन है कि ट्रेंड मेडिकल स्टाफ इंडिया में बहुत कम है, ये हम आगे देखेंगे कि कितना क्या रेशियो है। तो ये मेडिकल स्टाफ जो ट्रेंड इस चीज़ में कि मेंटल हेल्थ के लिए साइकेट्रिस्ट जो चाहिए वो बहुत कम है, तो उसको बढ़ाया जाए, इस तरीके की इनकी रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस तरीके की इनकी 6-7 रिकमेंडेशंस हैं। फिर ये नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ का 2015 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई है, 2014 में ये आई है, 15 में हेल्थ पॉलिसी अपनी आई है, तो इसमें इसको किस तरीके से इंक्लूड किया गया है वो हम देख लेते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो थे वो नेग्लेक्टेड इश्यूज हैं, ये हम देख ही रहे हैं कि इतने टाइप की प्रॉब्लम होती है फिर भी कोई ध्यान नहीं देता है। फिर कि सोसाइटी में भी उनको एक स्टिग्मेटाइज किया हुआ है, तो उस तरीके से वो नेग्लेक्टेड है। तो फिर सर्विस अवेलेबिलिटी एंड नीड इज वेरी हाई ऑफ मेंटल हेल्थ सेक्टर टू डील विद मेंटल इश्यूज, तो इस तरीके से इन्होंने कहा है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि रेशियो जो है अपने यहाँ पे ये है पर मिलियन, मतलब 10 लाख लोगों पे 0.47 साइकेट्रिस्ट। अब आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि 10 लाख लोगों पे एक भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर एक्सेसिबिलिटी कैसे होगी? यूनिवर्सल एक्सेस की हम बात कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल विद दिस रेशियो। दैट मीन्स कि वी हैव टू इंक्रीज कॉलेजेस, इंक्रीज सीट्स ऑफ साइकेट्रिस्ट इन दोज मेडिकल कॉलेजेस, एंड फिर पीजी की भी हमें वो बढ़ानी पड़ेंगी, तो इस तरीके से। या फिर ये इन दोनों प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2015 में, उसमें क्या क्या रिकमेंड किया गया है, तो इसमें स्पेशलिस्ट बढ़ाओ, पब्लिक फंडिंग बढ़ाओ, फिर इंटीग्रेट करो प्राइमरी केयर अप्रोच को, इसकी हमने पहले बात की थी कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए कि बाकी सारे डॉक्टर्स जहाँ हैं वहीं ये भी अवेलेबल हो। दूसरा कि लोकल लेवल से और नेशनल लेवल तक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, अर्बन और रूरल एरियाज में इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, तो इस तरीके से। दूसरा, जिस भी तरीके से इसको डील किया जा सकता है, जैसे
मेडिकेशन, टेलीमेडिसिन लिंकेज, टेलीमेडिकेशन भी एक नया तरीका है, तो उसको भी इंटीग्रेट करके ओवरऑल इंटीग्रेटेड अप्रोच एक यूज में ली जानी चाहिए। ये 15 जो 2015 की हेल्थ पॉलिसी है उसमें रिकमेंड किया है। फिर आगे कि स्पेशली ट्रेंड जनरल मेडिकल ऑफिसर्स एंड नर्सेज फॉर सम रेफरल सपोर्ट एंड सेकेंडरी केयर लेवल अवेलेबल होने चाहिए। फिर ये प्राइमरी लेवल फैसिलिटीज और काउंसलर्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट कि नेटवर्क एक बनाइए कम्युनिटी मेंबर्स का जो कि साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करें ऐसी प्रॉब्लम्स के वाले लोगों को और उनकी फैमिलीज को, एक ऐसा नेटवर्क एक बनाया जाए। तो इस तरीके से इसकी रिकमेंडेशंस हैं। फिर हम देख लेते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस कैसे किया जा सकता है। इन प्रॉब्लम्स के प्रिवेंशन के लिए हमें मतलब स्किल डेवलपमेंट एक जो है सोशल स्किल्स, उन सोशल स्किल्स को एनहेंस करना पड़ेगा लोगों की, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं उनको एनहेंस करना पड़ेगा ताकि वो एनजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी कोई जो प्रॉब्लम्स आती हैं मेंटल प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को खुद ही टैकल कर पाएँ, उनको डील कर पाएँ, और जो रिस्क इस चीज़ से क्रिएट हो जाते हैं वो ख़त्म हो। नेक्स्ट थिंग कि जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं वो इतने कॉम्पिटेंस होने चाहिए कि अर्ली डिटेक्शन वो कर पाएँ चीज़ों का, कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स यंग एज में लोगों को आ रही हैं, फिर ही उनका वो ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, उनको काउंसिल कर पाएंगे कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है और उसको किस तरीके से डील किया जा सकता है। तो इस टाइप से प्रिवेंट किया जा सकता है मेंटल इलनेस। तो अभी तक हमने देखा कि इस पॉलिसी जो है इसका बैकग्राउंड देख लिया, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो पहले प्रोग्राम्स चल रहे थे वो क्या थे, हम किस एक्ट के थ्रू इसको डील करते हैं, और क्या फिर हमने पॉलिसी फॉर्म की है, पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं और उसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं, तो इस तरीके की बातें हमने की थी। अब हम इसका एक ओवरऑल ओवरव्यू एक ले लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होगा और क्या फिर उस पर आप लिख सकते हो, तो वो हम देखते हैं आगे। ये हम देख लेते हैं, तो क्वेश्चन जैसे फॉर्म होगा कि व्हाट इज नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी, फर्स्ट तो यही पूछा जाएगा। इसकी मेजर रिकमेंडेशंस क्या है इस पूछ लिया जाएगा इस तरीके से, या पूछा जाएगा कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स जो इंडिया में कितनी प्रेवेलेंट है और किस टाइप से इंडिया में स्प्रेडेड हैं, किस तरीके से उन्हें डील किया जाए, और मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो अभी तक क्यों नहीं डेवलप्ड है और किस तरीके से उन्हें डेवलप किया जाए। तो इस तरीके से कुछ प्रोज एंड कॉन्स टाइप पूछ लिए जाएंगे, बेसिक इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो पूछ लिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है वो, उस तरीके से चार पांच टुकड़ों में तोड़ के क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है। तो उसके लिए हम ओवरऑल जैसे इसको देखेंगे तो व्हाट इज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, फर्स्ट तो ये देख लेंगे हम। फिर उसके बाद हम लिखेंगे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को, मतलब इसके साथ इश्यूज क्या क्या अटैच्ड हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें हम इश्यूज में देख लेंगे कि एक बेसिक स्टिग्मास के साथ अटैच्ड है, फिर इसमें कि जो जिनकी फैमिलीज में ये है तो वो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, एक वो फैमिलीज वल्नरेबल हो जाती है, पावर्टी का एक साइकिल, विशियस साइकिल इससे बन जाता है कि फैमिली में किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो गई तो उसकी केयर करो, उसके वेजेज उसके चक्कर में छूटते हैं, फिर गरीब और यहाँ पे पैसा लगाया बीमारी के लिए, वेजेज के छूटे तो गरीब और गरीब हो जाएगा, तो इस तरीके से कि विशेष साइकिल बन जाता है। तो पावर्टी इससे इश्यू, पावर्टी से अटैच्ड है, फिर कि होमलेसनेस जो है लोगों की, कि बीमार यदि कोई मेंटल प्रॉब्लम किसको हो जाती है, पागल हो जाता है, घर से निकाल दिया जाता है या फिर उसको हॉस्पिटल्स में रहना पड़ता है तो होमलेस हो जाते हैं या हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, तो इस तरीके की चीज़ें इसके साथ रिलेटेड हैं। फिर इनके बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है तो इनके बच्चों को कैसे केयर की जाए वो एक इश्यू आ जाता है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि जो इतने सारी टाइप की बीमारियां हैं उन सारी बीमारियों को डील करने के लिए हमारे पास
अवेलेबिलिटी नहीं है मेंटल हेल्थ सर्विसेज की, तो यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाए लोगों को, तो उसका क्या तरीका हो, वो सारी चीज़ें हम इसमें जोड़ देंगे। तो इस तरीके से एक ओवरऑल अप्रोच आप यूज़ में लेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को जैसे सोशल स्टिग्मा है तो उसको डील करने के लिए सोसाइटी में एक कम्युनिटी में लोगों को पहले तो नॉलेज दिया जाए, उस नॉलेज को यूज़ में लेने का लोगों को अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि उसको यूज़ में लिया जाए लें लोग, फिर उसके साथ जो अटैच प्रॉब्लम्स हैं उनको सोसाइटी की हेल्प से डील करें, फिर कि कम्युनिटी जो है वो गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करेगी और उन फैमिलीज को कैसे हेल्प करेगी, वो सारी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से एक ओवरऑल व्यू आप इसमें रख सकते हैं। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।